बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। 23 अगस्त आज़ादी की लड़ाई के एक बड़े नायक और चंपारण सत्याग्रह के लिए तो गांधी के बाद दूसरे नंबर पर आने वाले राजकुमार शुक्ल के जन्मतिथि है। इस अवसर पे हम उनसे जुड़ी एक अद्भुत कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। राजकुमार शुक्ल बेतिया के थे, चंपारण के थे और गांधी को लगभग पकड़ के चंपारण ले आने वाले वही थे। इसके पहले के किसान आंदोलनों में उनकी भागीदारी थी, अच्छे किसान थे, काफ़ी खेती थी, करीब 60 एकड़ की खेती थी, पशु काफ़ी थे उनके पास, वो खुद एक नौकरी करते थे राज में, लेकिन सब छोड़ के वो आंदोलन में लगे। और जब आंदोलन के पहले दौर में किसान नेताओं की बहुत पिटाई हुई और काफ़ी सारी बर्बादी हुई, तब उनको लगा कि तरीका कुछ बदलना चाहिए। उनको ये नहीं मालूम था, गांधी नहीं थे, गांधी जितने बड़े नहीं थे, लेकिन उनको लगा कि हमको अपना तरीका बदलना चाहिए। और तभी गांधी को वो चंपारण ले आए, और ले आए मैंने लिटरली पकड़ के ले आए। दो दफ़े कलकत्ता गए, लखनऊ जाके उनसे हाँ कराया, फिर उसके बाद कलकत्ता एक दफ़े गए, तब तक पता लगा कि गांधी जी निकल गए थे क्योंकि गोखले की मौत हो गई थी। फिर दोबारा गए और उनको पकड़ के चंपारण ले आए। और फिर गांधी के लिए क्या कुछ हो सकता है, कैसे आंदोलन चलेगा और किस चीज़ से उनको सुविधा होगी, इस हर काम में वो लगे रहे आखिरी दिन तक। 29 में बल्कि जब उनकी मौत हुई थी उसके पहले वो गए थे गांधी के पास साबरमती, और ये बार बार पूछ रहे थे मुल्क कब आज़ाद होगा। गांधी के पास निश्चित रूप से कोई जवाब नहीं था, लेकिन गांधी उनको आश्वासन दे रहे थे, उससे ज़्यादा कस्तूरबा आश्वासन दे रही थी, लेकिन उनको बार बार लग रहा था कि अब शायद मैं आज़ाद नहीं देखूंगा। और जब लौटे उसके थोड़े दिन बाद ही उनकी मौत हुई, 29 में उनकी मौत हुई थी। और मौत की बात भी इसलिए जिक्र करना ज़रूरी है कि जो इतना बड़ा किसान था, इतना बढ़िया जिसकी खेती बाड़ी थी, उसका अंतिम संस्कार चंदे से हुआ। और वो चंपारण का ही नहीं, मुल्क में भी उस किस्म के किस्से कम होंगे कि बेटी ने आग दी हो किसी ऐसे गांव के हीरो को और ब्राह्मण को, के बेटी के आग देने की उस तरह की कोई तब चर्चा कहीं नहीं है, लेकिन वहाँ ये चर्चा सुनाई देती है। लड़ाई की शुरुआत उनकी हुई थी, उनके बगल में एक बेलवा कोठी था नील का, उसके मालिक से, उसके मैनेजर से, एमन नाम था उसका। ये दिलचस्प जानकारी ये भी है कि एमन की कोठी, चंपारण के काफ़ी सारी नील की कोठियाँ 60 करीब थी, वो सब गिर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बिलवा कोठी को जो हमारे फिल्म अभिनेता हैं मनोज वाजपेयी, उन्होंने ख़रीदा है और उस पर अपना घर बनाया है। और कोठी के एक हिस्से को वो आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं एक स्मारक के तौर पर, और वहाँ एक कुआँ है, वो कुएँ को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो एमन के बारे में काफ़ी किस्से थे, कई किस्म के किस्से थे। और उनकी शुक्ल जी से लड़ाई हुई थी क्योंकि उनका उनकी खेती मुरली भरावा एक गांव है, वो एमन की कोठी बेलवा कोठी के पास ही था, और उसी टकराव में शुक्ल और एमन की लड़ाई चली लंबी। और उस लड़ाई में जब शुक्ल जी मरे तो खबर जब एमन को हुई तो उसने अपने गुमास्ता को, जो उनकी खेतीबाड़ी देखता था, नील के का मैनेज करता था, उसको उसने एक मोटी रकम दी, काफ़ी बड़ी रकम दी कि तुम जाके शुक्ल जी के यहाँ दे आओ कि श्राद्ध वो लोग ठीक से करें। तो गुमास्ता इस बात से थोड़ा हैरान था कि जिस आदमी से इनकी इतनी लड़ाई होती रही है उसको ये पैसा क्यों दे रहे हैं इतना। तो उसने टोका भी, तो उसने कहा कि तुम नहीं समझोगे, तुम जाके उनको पैसा दे दो और यही बोल देना कि वो सब चीज़ ठीक से करें, क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे शुक्ल जी और उनके श्राद्ध में भी काफ़ी बड़े लोग आएंगे, तो कोई चीज़ कम नहीं रहना चाहिए, किसी किस्म की कमी वहाँ नहीं आनी चाहिए, इसलिए तुम ये जाके पैसे दे दो, और वो लोग ज़्यादा बोलें तो मुझे बताना, मैं और पैसे दूंगा। खैर, उनका श्राद्ध हुआ। उस श्राद्ध में राजेंद्र बाबू, ब्रजकिशोर प्रसाद ही तब बिहार के सबसे बड़े नेता थे, जेपी के ससुर, ब्रजकिशोर प्रसाद कहने से हालांकि ये परिचय उनको छोटा करता है, उनको बड़ा नहीं करता है। तो चंपारण गांधी को खड़ा कराने वाले वही आदमी थे बिहार के, अपने सारे संपर्कों से और रिसोर्सेज से। गांधी को बाद में भी लगातार, बल्कि असहयोग आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि ब्रजकिशोर प्रसाद ने ही उनको असहयोग के साथ, ये जो मुसलमानों का ये था खलीफा का सवाल, उसके साथ असहयोग का मसला जोड़ने की सलाह उन्होंने ही दी थी।
तो ब्रजकिशोर बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह जो बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए, इस किस्म के लोग आए और सब श्राद्ध में वहाँ बैठे रहे। राजेंद्र बाबू ने मन से पूछा कि अब तो तुम चैन हो गए होगे क्योंकि तुम्हारा दुश्मन मर गया। तो एमन ने राजेंद्र बाबू से कहा कि राजेंद्र बाबू, वो मेरा दुश्मन नहीं था, वो चंपारण का एकमात्र मर्द आदमी था जिसने 25 साल मुझसे लड़ाई लड़ी, और वो अपनी लड़ाई लड़ता था, उसका अपना पॉइंट था, मेरा अपना था, मैं अपनी चलाना चाहता था, और हम दोनों लड़ते रहे। चंपारण में उससे ज़्यादा बहादुर आदमी कोई नहीं था। कि वो क्या था ये मैं सबसे अच्छी तरह समझता हूँ, आप लोग भी नहीं समझते हैं, तो इसलिए आप उसको दुश्मन मन मानती हैं। वो बड़ा आदमी था, वो अपनी लड़ाई लड़ता रहा, और उसी लड़ाई का आज परिणाम देश देख रहा है कि किस किस्म का बदलाव शुरू हुआ। और इसके बाद उसने ये कहा कि देखिए, वो चला गया है, अब मुझे लड़ने में मज़ा नहीं आएगा, मैं किससे लड़ूँगा, और मैं भी ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं हूँ। श्राद्ध के बाद उसने राजकुमार शुक्ल के दामाद सरयुग राय को बुलाया, उनको एक रिकमेंडेशन चिट्ठी दी एसपी के नाम, उनकी नियुक्ति कराई बिहार पुलिस में जमादार पोस्ट पे, और भी कहा कि जो भी मदद चाहिए हमसे, जो पार लगेगा तुम हमसे मांग सकते हो, अब सारी दुश्मनी ख़त्म हो गई। और मज़ेदार बात यह है कि एमन भी 3 महीने के अंदर चल बसा। तो इस किस्म की दुश्मनी और इस किस्म की लड़ाई, ये हमारे आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा हैं, और चंपारण में बड़े पैमाने पे हुआ। और राजकुमार शुक्ल की महानता यही है कि उन्होंने लड़ने के पुराने तरीके को बदला। पुराना तरीका चंपारण में ये भी हुआ था कि एक अंग्रेज़ को लोगों ने डंडों से मार दिया था, जगह जगह इंडिविजुअल पिटाई हुई थी, फिर उसके बाद एक एक कोठी के इलाके के लोग उठे उसके जुल्म के ख़िलाफ़, और डंडे भाला गणास से पिटाई हुई, मारपीट हुई। लेकिन जितनी दफ़े इस किस्म के आंदोलन चले, अंग्रेज़ों का जुल्म और बढ़ गया। बल्कि एक ऐसा वहाँ इंस्पेक्टर आया जिसका खौफ था, जो शोले फिल्म का डायलॉग है कि कितने कोस दूर तक लोग हमारे नाम से डरते हैं, ये खौफ वहाँ भी था कि वो आ गया इंस्पेक्टर, उस डर से लोग डरते थे। तो लड़ाई का तरीका बदलने का, लड़ाई अपनी जगह है, और लड़ाई न्याय अन्याय की थी, और राजकुमार शुक्ल किस तरफ खड़े थे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राजकुमार शुक्ल चंपारण के ऐसे पहले आदमी थे जिनको ये समझ में आया कि पुराने तरीके से अब लड़ाई नहीं हो सकती। कोर्ट कचहरी जाओ तो अंग्रेज़ी हुकूमत को ही मान्यता देनी है, डंडा उठाओ तो अंग्रेज़ी हुकूमत की ताकत काफ़ी ज़्यादा है, तो अब नए तरह से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और गांधी जैसा आदमी दक्षिण अफ्रीका से प्रयोग करके आया है, वो शायद हमारी लड़ाई को अगले मुकाम तक ले जाए। और ये फैसला उनका कितना सही था ये हम सब ने देखा है कि गांधी की लड़ाई, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई, चंपारण के किसानों की लड़ाई के साथ मिला, चंपारण के किसानों की समस्या भी सुलझी, और वहीं से गांधी का उत्थान हुआ है, वहीं से कांग्रेस, वहीं से हमारा नेशनल मूवमेंट, और वही नहीं, सारी दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ, अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेज़ी खौफ के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई वो चंपारण की ही लड़ाई है। और उसके एक नायक राजकुमार शुक्ल हैं जो मुल्क को आज़ाद देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। नील की खेती ख़त्म कराना तो उन्होंने देख लिया था, खुद भी उनकी नील की खेती थी, लेकिन मुल्क आज़ाद होने के लिए देखने को तैयार को वो बचे नहीं। लेकिन वो अपना काम कर गए, उनकी भूमिका काफ़ी बड़ी है, और काफ़ी सारे लोग उनको चंपारण का गांधी आज भी कहते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट, और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।